हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर हैं और संभावित है कि यहीं से आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी हर एक चीज़ आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा और करंट अफेयर की भी वीडियो आपकी काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं तो उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। देखिए वन का जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना का शुभारंभ किया, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा कितने कलाकार, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की गई, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर को विश्व पर्यटन शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा आपका अयोध्या। अयोध्या को विश्व पर्यटन शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जगह पर भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। चलिए फोर को ऑप्शन देना है और फोर को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है आपके लखनऊ। लखनऊ में, याद रखिए लखनऊ में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फाइव का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपके गोरखपुर में, कहाँ पर किया जाएगा, तो आपके गोरखपुर में किया जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है, ये प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी आपकी होगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर देखिए सिक्स नंबर जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा क्या, यहाँ पर राइट हो जाएगा ए नंबर आपका लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, कौन, लखनऊ बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि विश्व आर्थिक मंच 2022 में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, योगी आदित्यनाथ को। किसे चुना गया है, तो आपके योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर चुना गया है जो कि प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विद्यालयों की जानकारी हेतु कौन सा पोर्टल जारी किया है। दोस्तों यहाँ पर आठ नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, पहचान, है ना। ये जो उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद है उन विद्यालयों की जानकारी हेतु है, यहाँ पर पोर्टल का नाम है पहचान, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से काशी तमिल संगम ट्रेन चलाई जाएगी। तो काशी तमिल संगम ट्रेन चलाई जाएगी, नाइन को ऑप्शन बनेगा ये नंबर आपके वाराणसी से, कहाँ पर है, वाराणसी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन है और ये स्थित है आपके कौशाम्बी में, कहाँ पर, कौशाम्बी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस के आधार पर किस मेडिकल कॉलेज को पहली रैंकिंग दी गई है। देखो यहाँ पर जो आपका परफॉर्मेंस आपका सबसे अच्छा रहा है वो आपकी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो प्रयागराज है, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका इसी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक है जो बनाया जाएगा कहाँ पर, तो ऑप्शन क्या बनेगा 12 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके चित्रकूट में, कहाँ बनाया जाएगा आपके चित्रकूट बनाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक है, ऑप्शन बी हो जाएगा चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है यार आपसे उत्तर प्रदेश में कितने इंस्टीट्यूट अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ पर 13 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर भी हो जाएगा आपके 17। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों इंस्टीट्यूट अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु स्थापित किए जा रहे हैं, कितने, ऑप्शन भी हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। यहाँ पर देखिए 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर 33,769 करोड़ रुपये, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लग्जरी क्रूज चलाने की तैयारी की जा रही है। लग्जरी क्रूज चलाने की तैयारी की जा रही है, तो आपके गोरखपुर में, ऑप्शन बनेगा आपका यह नंबर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के शहरों को सेफ सिटी बनाने के लिए कितने कैमरे लगाए गए हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के शहरों को सेफ सिटी बनाने के लिए कितने कैमरे लगाए गए हैं, 16 का ऑप्शन देना है।
तो 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा 5000 का मिले, कितने 5000 ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगाया गया है, यहाँ पर 17 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपके वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में, ये देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला है और कहाँ पर है? तो आपके वाराणसी में ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एग्रो मॉल का निर्माण किया जा रहा है, एग्रो मॉल का निर्माण किया जा रहा है, ये आपके ऑप्शन भी आपके लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा कॉलेज ICAR से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय, पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया है, सभी ऑप्शन देखिएगा और यहाँ पर आपका 19 का ऑप्शन बनेगा सी, उदय प्रताप कॉलेज जो वाराणसी है, ये ICAR से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया है, चलिए सॉरी तो देखिए 20 का ऑप्शन सी हो जाए आपके गोरखपुर। कहाँ पर? ये आपके गोरखपुर में किया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला देखिए पूछा गया है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन बनेगा इनमें से हो जाएगा आपका सी नंबर आपके महाराजगंज में, है ना, महाराजगंज जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल रहा है। दोस्तों इस रैंकिंग में जो आपका प्रतापगढ़ है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, प्रतापगढ़ आपका अव्वल रहा है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम लागू करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है दूसरा स्थान रहा है, इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है, रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए 4 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपके कहाँ पर, तो आपके गोरखपुर में रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के महापौर प्रत्याशी चुनाव में कितने लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। जो महापौर प्रत्याशी होते हैं अथवा महापौर का जो चुनाव होता है उसमें से कितने लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, यहाँ पर 5 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की मिसेज कौन बनी है, उत्तर प्रदेश की मिसेज जो आपकी हैं वो आपकी चंद्रकांता हैं, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कहाँ मेगा यूथ फेस्टिवल एक्सप्रेशन का आयोजन किया गया है, उत्तर प्रदेश में कहाँ मेगा यूथ फेस्टिवल एक्सप्रेशन का आयोजन किया गया है। 7 को ऑप्शन में से सी हो जाएगा आपके कानपुर में किया गया है, ठीक है, मेगा यूथ फेस्टिवल एक्सप्रेशन आपके कानपुर में किया गया है, 7 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है और 8 का ऑप्शन है आपका पद्म विभूषण, क्या विभूषण, जो कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार आपका है ना, सबसे पहले भारत रत्न होता है, फिर आपका पद्म विभूषण, फिर आपका पद्म भूषण, फिर आपका होता है पद्मश्री होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के 21 अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया है, यहाँ पर 9 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया है, यहाँ पर 9 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में डबल डेकर क्रूज सेवा चलाया जाएगा, ये क्रूज सेवा किसके मध्य चलाया जाएगा, तो ये डबल डेकर क्रूज सेवा है और चलाया जाएगा किसके बीच, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर काशी और पटना के बीच, ऑप्शन बनेगा ए नंबर काशी और पटना के बीच। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला CBRN मेडिकल मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश का पहला CBRN मेडिकल मैनेजमेंट सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, 11 का ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो ऑप्शन सी आपके वाराणसी में, कहाँ पर, वाराणसी में बनाया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का पहला CBRN मेडिकल मैनेजमेंट सेंटर है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा हर जिले में सिविल डिफेंस सफाई का गठन किया जाएगा, तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है किस राज्य सरकार द्वारा हर जिले में सिविल डिफेंस इकाई का गठन किया जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपके उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है, देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आपके लखनऊ में, कहाँ पर किया है, तो आपके लखनऊ, इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति को मंजूरी दी, इसके तहत गेहूं कितने रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, याद रखिएगा आपका 2125 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा? कितने शहरों में, क्वेश्चन अच्छा है पूछा जाएगा, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका सी हो जाएगा, 4 शहरों में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेंट्रल जू अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी द्वारा नाइट सफारी को मंजूरी दे दी गई है? यहाँ पर 16 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, याद रखिए लखनऊ में। कहाँ पर है तो आपके किस जिले में, लखनऊ में। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के जल अभिषेक के लिए कितने देशों की नदियों से जल मंगाया गया है? तो चलिए बताइएगा, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के जल अभिषेक के लिए कितने देशों की नदियों से जल मंगाया गया है? देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 155, क्या हो जाएगा, 155 देशों की नदियों से जल मंगाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फिश म्यूजियम बनाया गया है? ये देश का पहला फिश म्यूजियम है और आप बनाया गया है ऑप्शन डी आपके लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा? दोस्तों ये प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय है और ये है ऑप्शन ए आपके गोरखपुर में। कहाँ पर, गोरखपुर, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी सरकारी विभाग में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? जितने भी सरकारी विभाग हैं वहाँ पर 100% इलेक्ट्रिक वाहन ही रहेंगे, ये लक्ष्य रखा गया है कब तक के लिए? तो ऑप्शन सी 2030 तक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी योजना शुरू की है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी योजना शुरू की है, यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो आपके उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सौम्या मिश्रा ने किस देश में मिलिट मेले हुआ स्वराज स्वतंत्रता का गाथा जो आयोजन किया है, आपके यहाँ पर देख सकते हैं ये कहाँ की है। कह रहा है उत्तर प्रदेश की सौम्य मिश्रा ने किस देश में मिलिट मेले हुआ स्वराज स्वतंत्रता गाथा का आयोजन किया है? तो दोस्तों ये किया है आपके कनाडा में, ऑप्शन इसका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, आपके कनाडा में किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी देवेंद्र सिंह चौहान को चुना गया है क्रिकेट उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या की तर्ज पर कितने नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया है? अयोध्या की तर्ज पर बनेंगे, यहाँ पर देखिए 4 को ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 16, क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 16 जो नगर निगम है इनमें अयोध्या के जैसे ही आप कह सकते हैं यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी? यहाँ पर देखिए 5 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा आपके ललितपुर में, ये ललितपुर में दोस्तों याद रखिए पहला फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 6 को ऑप्शन देना है और 6 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में डिल्जनी लैंड की तर्ज पर रामा लैंड बनाने की घोषणा किया है? देखिए 7 को ऑप्शन सी हो जाए आपके अयोध्या, क्या हो जाएगा किस जिले में, तो आपके अयोध्या में बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के अमित कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर मेरठ जिले से हैं और इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित करने पर विचार कर रही है? दोस्तों ये बीमारी आपकी है जो आपकी कैंसर बीमारी है, इसे अधिसूचित करने के लिए क्या कर रही है, विचार कर रही है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि कैंसर की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कैनोइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है? ये कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता है और ये आपके ऑप्शन डी बिजनौर में, कहाँ पर, बिजनौर, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित LBAI हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज हवाई अड्डा बनाया गया है? तो ये है आपका वाराणसी हवाई अड्डा है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया सवेरा पहल की शुरुआत की है? नया सवेरा पहल की जो शुरुआत किया है आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण आपके दोस्तों याद रखिए अयोध्या में किया जाएगा, कहाँ पर, अयोध्या, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर, रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या, इसका ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेस के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे क्या होगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है
उत्तर प्रदेश में रामायण कालीन स्थलों को किस देश के द्वारा विकसित किया जाएगा? तो रामायण कालीन जो स्थल रहे हैं उनको जो विकसित किया जाएगा वो आपके श्रीलंका के सहयोग से, यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका नंबर श्रीलंका के द्वारा विकसित किया जाएगा, ऑप्शन आपका नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने नई संस्कृति नीति 2023 लाने की घोषणा की है? तो चलिए बताइएगा कि यहाँ पर किस राज्य सरकार ने नई संस्कृति नीति 2023 लाने की घोषणा की है? 16 का ऑप्शन में से सी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगमों में नाथ रो ट्रिपल आर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, 11 शहरों पर नाथ रो ट्रिपल आर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की किस प्रौद्योगिकी संस्था ने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बेबी रोबो केयर का निर्माण किया है? बेबी रोबो केयर का निर्माण किया है, यहाँ पर ऑप्शन बी IIT BHU, ऑप्शन आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है 19 नंबर में, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो देखिए ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके वन लाइनर भी आपके लिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके हैं। देखिए दिया गया है, नवंबर 2022 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उद्घाटन के पश्चात काशी तमिल संगम का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में किया गया है? तो काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर, तो आपके वाराणसी में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है? यह लखीमपुर खीरी में है और यह भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा, जो तराई हाथी रिजर्व है दुधवा पीलीभीत में, ये 33वां हाथी रिजर्व होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटी लिविंग नो वन बिहाइंड विषय पर लखनऊ में 2 दिवसीय स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन कहाँ पर, आपके लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक विश्व के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास क्रूज का निर्माण किया, मतलब गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किया है, जो कि 3200 किलोमीटर या क्रूज वाराणसी की गंगा से डिब्रूगढ़ के ब्रह्मपुत्र तक जाएगा। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संरचना है ना योजना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया, कहाँ से, तो आपके वाराणसी जनपद से किया। भाई वीडियो को सब लोग लाइक कर दिया करिए, देखिए इतने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सब लोग वीडियो को लाइक भी करिए, इतने क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के पढ़ाए जा रहे हैं है ना, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर इतनी जल्दी मिलती है ना, ये ढूंढ ढूंढ कर पढ़ाना पड़ता है, तो सब लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है, कहाँ पर, तो आपके वाराणसी में किया है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पौधरोपण अभियान की निगरानी व पारदर्शिता के उद्देश्य से हरितमा ऐप को लॉन्च किया है? तो हरितमा ऐप को लॉन्च किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये पौधों के जो रोपण हो रहे हैं उनकी निगरानी के लिए है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय कौन है? तो उदय प्रताप कॉलेज, जो कि वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में 10 धरोहर स्थलों का चयन किया गया है, कितने, 10। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण की घोषणा की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है? गंतव्य है कि लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर में पहले से ही मिशनरी प्रणाली लागू है। अब इस प्रकार उत्तर प्रदेश के कुल 7 जनपद में कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आपके लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर में पहले से थी, अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी आपकी कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी, कुल कितने आपके जनपद हैं, आपके 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर लखनऊ में हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है? तो हाईटेक कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनेंगे, तो आपके लखनऊ में बनेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी को NABL की आधिकारिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी
कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है। तो कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से क्या किया, उद्घाटन किया है। तो आपके दोस्तों यूनानी चिकित्सा संस्थान है ये, कहाँ पर, आपके गाजियाबाद जिले में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि हाल ही में भारत के 3 एयरपोर्ट्स दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी पर डिजी यात्रा सेवा को लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिए डिजी यात्रा 3 एयरपोर्ट पर, आपकी दिल्ली, बेंगलुरु और आपके वाराणसी का नाम भी आपका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि इस्पात मंत्रालय के सचिव संजय सिंह ने RINLA के फोल्ज व्हील प्लांट में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को LHV व्हील्स की पहली खेप को उत्तर प्रदेश रायबरेली जिले में हरी झंडी रवाना किया है। तो रायबरेली हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश से उत्पादित फल आंवला और चिरौंजी पर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट परमिट को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो प्रोजेक्ट परमिट को समाप्त किया आंवला और चिरौंजी पर। अगला दिया, उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा ने हाल ही में महिला विधायकों के लिए एक दिन का सत्र आरक्षित किया है। कितने, एक दिन के लिए। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित ट्विन टावरों को ध्वस्त कर दिया गया है ना। तो ट्विन टावर आपका कहाँ थे, आपके नोएडा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में होम डेकोर तथा होम फर्निश उत्पाद को हाल ही में ग्वाटेमाला में आयोजित मेड इन इंडिया प्रदर्शनी प्रदर्शित किया है। तो आपके कहाँ पर, मुरादाबाद जिले में किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में भारत में चिकित्सा उपकरणों के लिए बनाए गए निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्यालय स्थापित होगा कहाँ पर, तो आपके नोएडा में होगा। और अगला क्वेश्चन है कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने ट्रांसफार्मिंग टू ग्रीन द्वारा स्थायी भविष्य को मजबूत और विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन यहाँ पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के मिर्जापुर जिले में गिद्ध पक्षी रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों गिद्ध पक्षी रेस्टोरेंट कहाँ पर, आपके मिर्जापुर में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने पहचान नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश के बोर्ड विद्यालयों की पहचान के लिए पहचान नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना को शुरू करने की घोषणा किया है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड योजना पर भी कार्य का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश हाल ही में एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना की शुरुआत किया है, यह भी क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूट क्राफ्ट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो मातृभूमि योजना है ना, ये आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित समय में जनता के शिकायत को दूर करने हेतु ई कंप्लेन पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बाल पिटारा ऐप लॉन्च किया है। तो बाल पिटारा लॉन्च आपके आंगनवाड़ी केंद्रों पर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जापान की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध स्कूलों में स्वच्छता पाठशाला लगाने का निर्णय लिया है। किसकी तर्ज पर, आपकी जापान की तर्ज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय ने प्लास्टिक मुक्त स्वच्छता अभियान शुरू किया है। तो कहाँ से, वाराणसी शहर से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक मुक्त स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भारत के पहले अमृत सरोवर का निर्माण उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के पटवाई ग्राम पंचायत से किया जाएगा। कहाँ से, तो आपकी उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में है, पटवाई ग्राम पंचायत से किया जाएगा। सबसे पहला है जो कि आपके भारत का पहला अमृत सरोवर आपका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है कि RKS भदौरिया को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसे, तो आपके RKS भदौरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में अवनीश अवस्थी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसे, अवनीश अवस्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में 25वां वैश्विक तेल शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, कहां पर, आगरा जिले में यह 25वां वैश्विक तेल शिखर सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में सामाजिक प्रगति के मामले में उत्तर प्रदेश को 31वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के 3 शहर लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में पहली बार महिला PAC बटालियन का गठन किया गया है ना, किया जा रहा है। कहाँ पर, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में। अब क्या होगा कि महिला भी जो होंगी वो PAC आपकी होंगी, PAC बटालियन। अगला है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
उत्तर प्रदेश की जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का गौरव प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये इनका नाम है जागृति यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट में ओमनी रेंज डॉपलर रडार सिस्टम लगाया गया है। तो ओमनी रेंज डॉपलर सिस्टम कहाँ पर? गोरखपुर एयरपोर्ट में। अगला है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हाल ही में राज्य की पहली एस्ट्रोनॉमी लैब अर्थात खगोली प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ पर है? तो खगोली प्रयोगशाला का प्रारंभ किया है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी कितने 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोही पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन होगा क्या कि कितने विद्यालय, तो याद रखिएगा 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में किसके लिए? लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या शुरू किया है? आरोही पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? याद रखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या किया गया है? राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान 2023 और विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान को शुरू किया है। तो याद रखिएगा स्कूल चलो अभियान और विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान किसने शुरू किया है? तो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और कब किया है? 1 अप्रैल 2023 को किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन किया गया है। तो याद रखिए रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर है? तो गोरखपुर जनपद में किया गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई जनपद में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है? मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री है। क्या है? पेंट्स फैक्ट्री है। और कहाँ पर किया है? हरदोई जनपद में किया है। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी PDF आपकी जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग GK की PDF लेना चाहते हैं तो GK में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपके कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर PDF आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि GK वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न, और यहाँ पर मिक्स GK जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वनलाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझ लीजिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपके स्टैटिक GK और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है जिससे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं इसी में, वन लाइनर भी हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर UPGK दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट UPGK है जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपके रेट रखे गए हैं दोस्तों और PDF में कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का निर्णय किया है। तो दोस्तों जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे जैसे आपके इलेक्ट्रिक में 4 पहिए भी हो गए, 2 पहिए भी हो गए है ना, तो उनको अगर खरीदते हैं तो जो रोड टैक्स होता है और पंजीकरण शुल्क है इसमें से छूट मिलेगा। ऐसा निर्णय किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? याद रखिए ग्रेटर नोएडा स्थित किसमें? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 54वें प्रादेशिक फल साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिए लखनऊ में किया गया है। ये कौन से नंबर का है? तो आपके 54वें नंबर का है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, 21 से 25 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियंस आयोजन किया गया। इसमें कुल कितनी 32 टीमों ने भाग लिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियंस का आयोजन कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और इसमें से जो भाग लिया है कितनी टीमों ने? तो 32 टीमों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन भारतीय खाद्य संरचना और मानक प्राधिकरण द्वारा
ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन बन गया है। याद रखिए, ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाला ये उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन आपका है, जो कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नेपाल के जनकपुर स्थित गलेश्वर धाम से दो पवित्र शालिग्राम उत्तर प्रदेश के अयोध्या लाए गए हैं। याद रखिएगा, आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ पत्थर आए थे, बड़े बड़े पत्थर ये अयोध्या में लाए गए थे। वो आपके कहाँ से लाए गए हैं? तो नेपाल के जनकपुर में जो गलेश्वर धाम है। याद रखिएगा, जो शालिग्राम पत्थर है, तो अधिकांश जो शालिग्राम पत्थर है वो गंडक नदी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगर बन जाए कि अधिकांश शालिग्राम जो पत्थर हैं, जो कि आपके गरेश्वर धाम से हैं और लाए गए हैं कहाँ पर? अयोध्या में। ये किस नदी में अधिकांश आपके शालिग्राम पाए जाते हैं? तो गंडक नदी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाल ही में प्रदत्त संसद रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद विशंभर प्रसाद निषाद को दिया गया है। किसे दिया गया है? विशंभर प्रसाद निषाद को दिया गया है प्रदत्त संसद अवार्ड 2023। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना की शुरुआत किया है। याद रखिएगा कि सड़क सुधार योजना की शुरुआत किसने किया है? तो आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा की शुरुआत करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, याद रखिए, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ गुरु कृपा शुरू करने का जो निर्णय लिया है वो भारतीय रेलवे ने कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी खेल नीति को मंजूरी दिया प्रदान किया है। तो दोस्तों, अगर हाल ही में बोलता है कि अपनी खेल नीति को मंजूरी प्रदान किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राज्य का पहला पशु विद्युत सौदाह ग्रह बनकर तैयार हुआ है। आप देखते हैं, जैसे लोगों को इलेक्ट्रिक वाले में अंदर प्रवेश कर देते हैं और जलकर राख हो जाते हैं, वैसे क्या है, जानवरों के लिए आपको बनाया गया है। ये राज्य का पहला विद्युत सौदाह ग्रह बना है, जो कि आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में क्या कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? राही मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार में। किसने? तो आपके योगी आदित्यनाथ ने। तो राही मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में केंद्र सरकार ने MP मित्रा मतलब प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान किया है। और कहाँ पर? तो आपके हरदोई में। याद रखिएगा, MP मित्रा ये कहाँ पर? हरदोई जिले में। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया है। कितने? तो 18। दोस्तों याद रखिएगा कि जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल, इनको संरक्षित किया मतलब इनको रेख देख के लिए, तो यहाँ पर कितने? तो आपके 18। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा कि प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर? तो आपके महोबा जनपद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में समग्र शिक्षा अभियान शुरुआत किया है। तो किसने शुरू किया है? तो समग्र शिक्षा अभियान की जो शुरुआत किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपके न्यायमूर्ति प्रतिंकर दिवाकर को यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन वेरी वेरी MP है। याद रखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ना किसे? तो आपके न्यायमूर्ति प्रतिंकर दिवाकर को चुना गया है या नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी है, नाम क्या है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने, इसने सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए कानपुर शहर में, दोस्तों कहाँ पर? कानपुर शहर के लिए यहाँ पर एक समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। ठीक है, ये जो नवरत्न कंपनी है इसको जरूर याद रखिएगा, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने एक ऑनलाइन पोर्टल Family ID 1 Family 1 Identity, ये क्वेश्चन बार बार आपने पढ़ा होगा कि जो एक फैमिली आईडी है 1 Family 1 Identity, इसकी शुरुआत जो किया है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। क्यों किया है? ताकि परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो आसानी से प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया है ना, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ये रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश के औला जो कि आपके बरेली में पड़ता है, फूलपुर जो कि प्रयागराज शहर में, इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इफ्को को नैनो यूरिया तरल, जो कि आपने देखा है कि ये पहला ऐसा प्रोडक्ट आपका है जो यूरिया का कह सकते हैं एक तरल संयंत्र है।
और इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर मनसुख वंडाविया ने, और ये आपके आंवला जो कि बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों की सुविधा एवं MOU के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु तो निवेश साथी नामक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत किया है। मतलब जो निवेश करते हैं अपने फंडिंग मिलती है, जैसे आपके कह सकते हैं सिंगापुर से फंडिंग काफ़ी मिलती है, तो उनके लिए उनकी निगरानी के लिए निवेश साथी की नामक एक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा, दोस्तों याद रखिएगा ये भारतीय रेलवे के द्वारा शुरुआत की गई है भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अयोध्या वाराणसी और प्रयागराज में विराम लेगी। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, तो अयोध्या वाराणसी प्रयागराज में विराम लेगी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही IMP क्वेश्चन आपका है। प्रदेश के चित्रकूट जनपद में स्थित रानीपुर बाघ अभयारण्य की को हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो ये भैया कौन सा आपका है वन्य जीव अभयारण्य, तो रानीपुर बाघ की अभयारण्य है, ये प्रदेश के चित्रकूट जनपद में है। और दोस्तों याद रखिएगा ये भारत का 53वां है और उत्तर प्रदेश का 4था बाघ रिजर्व है। याद रखिए उत्तर प्रदेश का ये 4था बाघ रिजर्व है और भारत का 53वां ये आपका क्या है, आपका वन्य जीव संरक्षण मतलब कह सकते हैं कि आपका अभयारण्य है। नाम क्या है, रानीपुर, कहाँ पर, चित्रकूट जनपद में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सिंगापुर के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत किया है, तो ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत जो किया है वो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में शुरुआत इसकी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों के विपणन की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में एक अत्याधुनिक एग्री मॉल बनाने की घोषणा किया है। तो ये भैया एग्री मॉल जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में, कहाँ पर, लखनऊ में, और किस लिए, ताकि किसानों की जो आय है वो आपकी बढ़ाई जा सके, है ना। तो यहाँ पर आपका एग्री मॉल लखनऊ। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्टार्टअप सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए अमेरिका स्थित ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, है ना, चुनार लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। कहाँ पर, देखिए मिर्जापुर में चुनार लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है, किसने रखा है, तो ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल हो जाएगा दोस्तों। ये क्यों किया गया है, ताकि जो कालीन और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, स्थानीय निर्यातकों आयातकों और व्यापारियों को जरूरतों को पूरा किया जाए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, कहाँ पर, बस्ती जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। दोस्तों याद रखिएगा कि सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है, मोदी जी ने किया है, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम, कहाँ पर, तो आपके बस्ती जिले में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर में कुल 190 आदर्श दुग्ध विकास ग्राम को चयनित करने की घोषणा किया है। दोस्तों याद रखिए 190 आदर्श दुग्ध विकास ग्राम को चयनित करने की घोषणा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को तीसरा स्थान मिला है। दोस्तों याद रखिएगा ये गाजियाबाद को तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में स्थित कोरबा ऑर्डिनेंस में, जो आपकी उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में कोरबा ऑर्डिनेंस है, खाना फैक्ट्री, ये भारत और रूस के संयुक्त अधिवेशन में है या संयुक्त तत्वावधान में है। AK-203 जो असाल्ट राइफल है इनका निर्माण शुरू किया गया है, कहाँ पर, अमेठी जनपद के कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गुजरात के साबरमती की तर्ज मतलब होता है उसकी कॉपी, तो साबरमती की तर्ज पर अयोध्या जनपद में ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाने की घोषणा किया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से गुजरात के साबरमती में ग्रीन फील्ड टाउनशिप आपका है, उसी प्रकार से अयोध्या जनपद में भी ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाने की घोषणा किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा किसके तर्ज पर, किसकी कॉपी, तो आपके साबरमती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR की तर्ज पर SCR, मतलब आपने पढ़ा होगा NCR में शामिल जिले, है ना, जिसमें से 8वां जिला आपका शामली है, उसी प्रकार NCR की तर्ज पर ही SCR बनाया गया है, और इसमें से आपके लखनऊ, उन्नाव, बरेली, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर और कानपुर देहात, आप देख सकते हैं
लखनऊ से जुड़ा हुआ है आपका क्या, उन्नाव और फिर आपका रायबरेली, इधर बाराबंकी, फिर कानपुर नगर, इधर कानपुर नगर और कानपुर देहात। तो इनमें से जोड़े जाने वाले आपके एस सी आर है। तो क्वेश्चन बनेगा एस सी आर में जो शामिल हुए जिले हैं कौन है, तो लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात, है ना। तो ऐसे आपको याद रहेगा क्या क्या है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार के वाराणसी जनपद में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सुर सरिता सिफनी आप गंगा का आयोजन किया गया है। दोस्तों सुर सरिता सिफनी आप गंगा का जो आयोजन किया गया है ये किस जनपद में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में हॉट एयर बैलून का आयोजन किया गया है। दोस्तों हॉट एयर बैलून का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, तो आपके वाराणसी जनपद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के बारह जनपद में युवा साहित्यिक योगेंद्र योगी को, है ना, योगेंद्र योगी को हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 किसे, तो आपके योगेंद्र, जो कि आपके बहराइच जनपद के हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मार्च 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक ये कहाँ हुई है, तो आपके वाराणसी शहर में आपके आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को हाल ही में खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया है। तो ईट राइट स्टेशन वाराणसी कैंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद को IGRS रैंकिंग में प्रथम और देवरिया को द्वितीय स्थान मिला है। याद रहेगा कि IGSR रैंकिंग में सोनभद्र को पहला स्थान और देवरिया को द्वितीय स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में गौशालाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाने की स्वीकृति मिली है। दोस्तों याद रखिएगा कि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाने की स्वीकृति मिली है ना, ये गौशालाओं के लिए है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी स्वीकृति दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गोरखपुर जनपद में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ये राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय है जो कि आपके गोरखपुर जनपद में यहाँ पर बनाया जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन करने का निर्णय लिया है। और वहीं पर अगला देख रहे हैं कि ब्रिटेन की कांग्रेस कॉन्सिस ग्रुप ऑफ कंपनी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर इलेक्ट्रिक व्हील प्लांट और ईवी टेक पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को कई रूप में बनाया सकता है, कितने करोड़ रुपए का निवेश किया, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट और ईवी टेक पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है किस कंपनी ने, तो ये आपकी ब्रिटेन की कंपनी है कॉन्सिस ग्रुप ऑफ कंपनी ने। तो चलिए।